नमस्कार दोस्तों, आज 11 जनवरी है और नेपाल के राजा रहे पृथ्वी नारायण शाह की 299वीं जयंती है, जिन्हें क्रेडिट दिया जाता है यूनिफिकेशन ऑफ नेपाल के लिए, यानी कि नेपाल के एकीकरण का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है, इसलिए उन्हें राष्ट्र का संस्थापक भी कहा जाता है और इस दिन को हर साल पृथ्वी जयंती या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन आज हम जानेंगे कि ग्रेटर नेपाल के संस्थापक पृथ्वी नारायण शाह की कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे रोचक तत्व जो कि आम तौर पर चर्चा का विषय नहीं रहे, क्योंकि उनका जन्म 1723 में गोरखा के राजा नारा भूपाल शाह और उनकी दूसरी पत्नी रानी कौशल्यावती के पहले पुत्र के रूप में हुआ था। आम तौर पर नेपाली छात्रों को स्कूल में इनके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन उनसे जुड़े कई बातें हैं जो काफी रोचक हैं और काफी अलग हैं, वो शायद ही लोगों तक पहुंचती हैं। उसमें से सबसे पहली रोचक बात है उनका राजा बनना कैसे पॉसिबल हुआ, यानी कि पृथ्वी नारायण शाह गोरखा के सिंहासन पर कैसे बैठे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उनके पिता भूपाल शाह और उनकी एक अन्य रानी बुद्धिमती के पुत्र केशर शाह ने सबसे पहले गर्भ धारण किया था, यानी कि वो पहले अपने माँ के पेट में थे। लेकिन पृथ्वी नारायण शाह का जन्म उनकी माँ की गर्भावस्था के 7वें महीने में हो गया था, यानी कि आमतौर पर 9 महीने में जो बच्चा होता था, लेकिन पृथ्वी नारायण शाह 7 महीने में हो गए थे, जिसके कारण वो जल्दी पैदा हो गए थे। इसलिए एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कि किसको राजा बनाया जाए, क्योंकि बृंदा केशर शाह अपनी माँ के गर्भ में पहले आए थे, लेकिन पृथ्वी नारायण शाह अपनी माँ के गर्भ से पहले निकल गए, तो ये पूरे राज्य में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था कि किसको राजा बनाया जाए। और अंतिम निर्णय राजा नारा भूपाल शाह के विवेक पर ही था। और जैसे ही ये निर्णय होने वाला था, तभी बृंदा केशर शाह की मृत्यु हो गई थी और फिर पृथ्वी नारायण शाह सिंहासन पर एकमात्र उत्तराधिकारी बने, तो इसलिए उनका राजा बनना अपने आप में कंफ्यूजन था। दूसरा एक फैक्ट था कि पृथ्वी नारायण शाह की शिक्षा और उन्हें सिंहासन के लिए तैयार करने के लिए जिम्मेदारी उनकी सौतेली माँ चंद्र प्रभाती को दी गई थी। उनको एक अच्छा शासक बनाने के लिए 15 साल की उम्र में उन्हें घोड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, राजनीति, कूटनीति, महाभारत, रामायण और बहुत कुछ सिखाया गया और इसकी जिम्मेदारी उनकी सौतेली माँ के पास थी और उन्हीं ने सब कुछ उन्हें सिखाया। साथ ही तीसरा एक अनोखा फैक्ट है उनकी शादी को लेकर, यानी उनके विवाह को लेकर। पृथ्वी नारायण शाह के विवाह राजा हेमकर्ण की पुत्री इंद्र कुमारी देवी से 1738 में 14 वर्ष की आयु में हुई थी, लेकिन कुछ मुद्दों के कारण उन्होंने एक राजपूत प्रमुख अभिमान सिंह की बेटी नरेंद्र राज लक्ष्मी देवी से भी विवाह, जो कि 1740 में किया। साथ साथ एक चौथा फैक्ट है पृथ्वी नारायण शाह और गुरु गोरखनाथ का एक देवता जैसी आकृति के बीच एक कड़ी के बारे में एक लोकप्रिय चीज है। किंवदंती के अनुसार बाल शाह एक बार अपनी गुफा के पास जंगल में गुरु गोरखनाथ के पास आए। साधु ने उन्हें कुछ दही लाने को कहा। शाह फिर अपने महल में भाग गए और अपनी माँ से सब कुछ बताया। उनकी माँ ने दही शाह को सौंप दिया और उनसे कहा कि पवित्र व्यक्ति ने जो कहा है उसका पालन करे। शाह उसी स्थान पर गए जहाँ वह साधु से मिले। गुरु गोरखनाथ ने दही शाह से लिया और उनके हाथ पर डाला और उसे पीने को कहा, और कंफ्यूज शाह ने उसे लेने से अस्वीकार कर दिया और दही उनके पैरों की उंगलियों से टपकते हुए जमीन पर गिर गया। और तब गोरखनाथ ने शाह से कहा कि वह जहाँ भी कदम रखेगा वह भूम के हर टुकड़े को जीत लेगा। इसी घटना के संबंध में एक और मिथक है। ऐसा माना जाता है कि शाह द्वारा दही को जमीन पर गिरने देने के बाद क्रोधित गोरखनाथ ने उन्हें यह कहते हुए श्राप दे दिया कि उनका वंश केवल 10 पीढ़ियों तक शासन करेगा। तो कुछ ऐसे तत्व भी पृथ्वी नारायण शाह को लेकर निकलते रहे हैं। पांचवी और एक बड़ी चीज जो कि पृथ्वी नारायण शाह जिसके लिए जाने जाते हैं, वो है एकीकरण के लिए, क्योंकि कीर्तिपुर पर हमले से पहले नेपाल घाटी पर नजर गड़ाए गोरखा शासक अपने पिता के निधन के बाद पृथ्वी नारायण शाह 3 अप्रैल 1743 को 20 साल की उम्र में गोरखा के सिंहासन पर चढ़े। एकीकरण अभियान शुरू करने से पहले नेपाल 22 और 24 राज्य के समूहों में कई छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था, लेकिन इसके अलावा काठमांडू घाटी पर कांटीपुर, पाटन और भड़गांव पर 3 मल्ला राजाओं का शासन था। उन रियासतों को विभाजित किया गया और आंतरिक प्रतिद्वंद्विता को लगातार लड़ाई में शामिल किया गया, जो कि एकीकरण में एक बड़ा कदम रहा। छठी चीज जो पृथ्वी नारायण शाह ने की वो थी आर्थिक और सैन्य सुधार। शाह ने पहले नुआकोट पर हमला करके अपना एकीकरण अभियान शुरू किया, क्योंकि उनके पिता ने भी एक बार नुआकोट पर हमला किया था लेकिन असफल रहे थे। साथ के शाह भी कुछ ऐसा ही हुआ। नुआकोट के हमले के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद शाह ने अपने सैनिकों को कुशल,
हथियार और कमान की एकता को मजबूत करने की आवश्यकता समझी। तदनुसार वे बनारस गए और वहां से हथियार और गोला बारूद लाए और अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दिया। वापस आकर उन्होंने हथियार निर्माण कलाएं भी सीखी, जिसमें सेना को वेतन के रूप में भूम भूखंड भी प्रदान किए। उन्होंने 12,000 घरों से चंदा इकट्ठा कर गोरखा की आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाया। साथ ही उन्होंने विभिन्न राज्यों के साथ राजनीतिक संबंधों पर भी काम किया। सेना और आर्थिक स्थिति में सुधार के बाद एक साल बाद पृथ्वीनारायण शाह ने नुआकोट पर सफलतापूर्वक विजय भी प्राप्त की, जो कि एकीकरण का पहला चरण था। साथ ही उन्होंने काठमांडू घाटी के तीनों राज्यों पर विजय प्राप्त करने के साथ साथ मेची नदी तक नेपाल के क्षेत्र का सफलतापूर्वक विस्तार किया था। सातवीं चीज जो पृथ्वीनारायण शाह ने की वो थी मांडी को नेपाल राज्य की राजधानी बनाया, लेकिन अपना स्थान गोरखा नहीं बनाया। पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल को असल हिंदुस्तान के रूप में भी नामित किया, जिसका अनुवाद हिंदुओं की वास्तविक भूमि के लिए किया गया, क्योंकि उस समय पर उत्तर भारत पर मुगलों का शासन था। उन्होंने नेपालियों को सलाह दी थी कि अपने पूर्वजों के पारंपरिक धर्म को कभी ना छोड़े, जिसके चलते ही ये चीजें की गई। आठवीं बड़ी चीज, अपने जीवन के अंत में उन्होंने अपने सलाहकारों और सहयोगियों की एक बैठक बुलाई ताकि सभी को एकीकरण अभियान शुरू करने के कारणों के बारे में सूचित किया जा सके और नेपाल और नेपालियों के बेहतर भविष्य के लिए उचित योजनाओं और नीतियों का सुझाव दिया। बैठक पूरे दिन चली और उस दिन के उनके बयान को दियो उपदेश महान उपदेश नामक पुस्तक के रूप में संकलित किया गया। उस पुस्तक में उन्होंने कहा, ये मेरे छोटे प्रयासों से प्राप्त राष्ट्र नहीं है, ये चारों जातियों और 26 पंतों का बागीचा है और सभी इसके बारे में जागरूक हो सकते हैं और अगर लोग स्वस्थ हैं तो राष्ट्र समृद्ध होगा। साथ ही उनके निधन के बाद भी एकीकरण का सिलसिला जारी रहा और हर 11 जनवरी को नेपाल में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए लोग सिंह दरबार के सामने इकट्ठा होते हैं। साथ ही राजा पृथ्वीनारायण शाह ने 11 जनवरी 1775 को नुआकोट में त्रिशूली नदी के तट पर देवी घाट में अंतिम सांसें ली थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके सबसे छोटे बेटे प्रताप सिंह शाह ने एकीकरण अभियान जारी रखा और चितवन पर विजय प्राप्त की, लेकिन उनकी जल्द ही मौत भी हो गई। इसके बाद उनके पुत्र राणा बहादुर शाह गद्दी पर आए। वह तब नाबालिग थे, इसलिए उनकी माँ राजेंद्र लक्ष्मी ने एक रिजेट के रूप में राज्य की स्थापना अपने हाथ में ले ली और एकीकरण अभियान की निरंतरता दी। उनने उनकी मृत्यु के बाद पृथ्वीनारायण शाह के सबसे छोटे बेटे बहादुर शाह ने फिर राणा बहादुर शाह के रिजेट के रूप में अभियान जारी रखा और सिक्किम के 3/4 हिस्से पर विजय प्राप्त की। उन्होंने 1787 तक शेष 24 राज्य जीत लिए। 1790 में उन्होंने पश्चिम के क्षेत्र को महाकाली नदी तक बढ़ा दिया। तो ये तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जो कि पृथ्वीनारायण शाह से जुड़े थे। वो एक महान राजा रहे, साथ ही साथ एक बड़ी और विस्तार सोच वाले राजा रहे हैं नेपाल के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। NI News।